नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पूरे 90 सालों के बाद 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को दिखेगा शरद पूर्णिमा का चांद। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से 12 राशियों में से 4 राशि वालों की लगेगी लॉटरी। ये 4 राशि वाले होंगे माला माल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे 90 सालों के बाद 28 अक्टूबर दिन शनिवार को शरद पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग में अब 12 राशियों में से 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इन 4 राशि वालों कि इस दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है। ये 4 राशि धन से मालामाल होने वाले हैं। स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी अब इन 4 राशि वालों के घर इस दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन पधार रही हैं, जिससे अब इन 4 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। अब इन 4 राशि वालों के जीवन में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आने वाली है अपार खुशियाँ, जिससे अब इन 4 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, ये 4 खुशकिस्मत और भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है जिनकी 28 अक्टूबर दिन शनिवार को शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग बनने से लॉटरी लगने वाली है। ये 4 राशि वाले इस दिन मालामाल होने वाले हैं। यूं कहें कि स्वयं विधाता भी अब नहीं रोक सकते। अब इन 4 राशि वालों को मालामाल बनने से, करोड़पति बनने से, शरद पूर्णिमा के दिन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन 4 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आपको बता दें, इस शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये रास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है, 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चांद, आपको बता दें, इससे निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती है। और आपको बता दें कि इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहती है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। माता लक्ष्मी इस दिन, आपको बता दें, उत्तर और मध्य भारत में शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें खीर में पड़ने से ये कई गुना गुणकारी और लाभकारी हो जाती है। यूं कहें कि अमृत के समान हो जाती है। आपको बता दें कि इस दिन पूरे साल में सभी पूर्णिमाओं में केवल इस दिन चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न मुद्रा में रहती है। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले सभी प्रकार के उपाय, पूजा सब फलदायी माने गए हैं, बहुत ही फलदायी माने गए हैं। धार्मिक कर्म कांड, कोई भी उपाय हो, किसी भी प्रकार की पूजा होए, पूर्ण रूप से फलदायी मानी गई है। शरद पूर्णिमा के दिन, आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा पर मंदिरों में विशेष पूजा और सेवा का आयोजन किया जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार है कि आपको प्रातःकाल यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना है और पवित्र नदी
जलाशय या फिर कुंड में स्नान करें। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो सके तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें और स्नान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। आपको ऐसा करने से एक गंगा स्नान पवित्र नदी के स्नान के बराबर का फल प्राप्त होगा और साथ ही साथ इस दिन आपको माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान कार्तिकेय की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इस दिन ये विशेष माना गया है कि रात्रि के समय में आपको दूध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर आधी रात्रि के समय माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाएं, भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय को भोग लगाएं और इसके बाद आपको रात्रि के समय आकाश के मध्य स्थिति होने पर चंद्रदेव का पूजन अवश्य करें। चंद्रदेव का पूजन करें क्योंकि चांद इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न मुद्रा में रहती है। चंद्रदेव को और कच्चे दूध से अर्घ दें। ऐसा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में जो भी दुख, बाधाएं, संकट हैं उन सभी से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही साथ रात को खीर से भरा हुआ बर्तन चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसमें रखना चाहिए और दूसरे दिन उसका आपको उसका प्रसाद स्वरूप उसे आस पड़ोस में वितरित करें। जी हाँ दोस्तों, अमृत के समान होता है और इससे किसी भी प्रकार का रोग, दोष और कष्ट दूर हो जाता है मात्र इस प्रसाद को खाने से। तो प्रसाद ज़रूर रखें खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में और अगले दिन उसको उसका भोग ग्रहण करें, मतलब प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, आस पड़ोस में वितरित कर और साथ ही साथ पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुननी चाहिए। कथा से पूर्व एक लोटे में जल और ग्लास में गेहूं और पत्ते के दाने में रोली चावल रखकर कलश की वंदना करें और आपको बता दें इस दिन आपको यथासंभव शक्ति के अनुसार जैसी आपकी श्रद्धा हो अन्न धन वस्त्र जो भी बने दान धर्म के कर्म करें, मतलब लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। देवादि देव महादेव, भगवान शिव, माँ पार्वती और कार्तिक भगवान कार्तिकेय सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है। आपको बता दें दोस्तों, इस बार जो शरद पूर्णिमा है बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो विधि विधान से पूजा अर्चना करें, धार्मिक कर्म करें और विशेष आपको सेवा पूजन करनी चाहिए। अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं उन चार भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी माता लक्ष्मी की कृपा से इस दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग बन रहा है, जिसमें कि 12 राशियों में से 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। स्वयं माता लक्ष्मी इन 4 राशि वालों के घर पधार रही है। इन 4 राशि वालों को इस दिन मालामाल बनने से, करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी राशियां खुशनसीब है जिनकी इस दिन यानी 28 अक्टूबर दिन शनिवार को शरद पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है। ये 4 राशि वाले धन से मालामाल होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कौन कौन सी खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। सनातन धर्म के शास्त्र और प्राणों में वर्णित है कि यदि किसी पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा
हो जाती है तो उसके घर कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि माँ लक्ष्मी का स्वभाव बेहद चंचल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी एक जगह टिककर नहीं रह पाती। यही वजह है कि मनुष्य के जीवन में धन संबंधी उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय भी करते हैं, जिसे माँ खुश होकर व्यक्ति को मालामाल बना देती है। दोस्तों, आज के समय में इंसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे पहला कारण आर्थिक तंगी है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव ग्रहों की चाल से भी निरंतर होते रहते हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा से ही भविष्य को लेकर काफ़ी उत्सुक रहते हैं। इसी क्रम में इस बार अब विशेष महासंयोग बन रहा है, जिसमें माँ लक्ष्मी अब 12 राशियों में से 4 राशियों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है और इन पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि हमने बताया है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनकी चाल से सीधा हमारे सामान्य जीवन पर असर पड़ता है। कभी कोई ग्रह किसी राशि के लिए खुशियां लेकर आता है तो कभी दुक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में इस बार की महासंयोग से माँ लक्ष्मी इन 4 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है। यूं कहें कि इन 4 राशि वालों की अब लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों, ऐसा संयोग जीवन में कभी कभी ही आता है, जिसमें माँ लक्ष्मी से 4 राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब इन 4 राशि वालों के जीवन में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, जिन राशि वालों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है, उन 4 भाग्यशाली राशियों में से पहली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें, माँ लक्ष्मी आप लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए समय अत्यंत शुभ रहने वाला है और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। धन संबंधित अनेक प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। धन प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपको माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाले हैं। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधार रही है और आपकी झोली अब खुशियों से भरने वाली है। जल्द ही आप सारी कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि वालों, कहना गलत नहीं होगा, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों का भंडार आने वाला है। माँ लक्ष्मी अब आपके जीवन में खुशियाँ भरने वाली है। आपके जीवन में अब आपको अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि आपकी कुंडली में जबरदस्त माँ लक्ष्मी योग बन रहा है। ये संयोग कभी कभी ही बनता है। समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आप जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जो आपके जीवन की दशा पूरी तरह से बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी किस्मत में माँ लक्ष्मी की कृपा से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, व्यापार में देखेंगे कि आपको व्यापार में भरपूर लाभ मिलने वाला है। जो लोग व्यापार करते हैं, उनका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा। आपको हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा।
साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में, उनकी मनचाही इच्छा पूरी होगी, उन्हें मनचाही नौकरी मिलेगी और नौकरी में प्रमोशन वेतन वृद्धि के भी योग हैं। मेष राशि वाले मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनको मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का भी सुख मिलने वाला है। कहना गलत नहीं होगा, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से मेष राशि वालों अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मां लक्ष्मी स्वयं आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि मां लक्ष्मी अब आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है। आपके ऊपर मां लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा बन रही है, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और पैसा बढ़ेगा। अधिक धन लाभ अब आपको होने वाला है। कुंभ राशि वालों जल्दी कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी। आपको बता दें, कुंभ राशि वालों जो लोग व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में अधिक मुनाफा मिलने वाला है। उनका व्यापार दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो वो सपना उनका जल्दी ही पूरा होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी काम बहुत आसान तरीके से पूरे होने वाले हैं। आपके सालों साल से रुके हुए काम अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपको हर जगह से अब कुंभ राशि वालों लाभ ही लाभ मिलने वाला है। मां लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा आपके ऊपर बन रही है। यूं कहें कि आपको जल्द ही अब लॉटरी लगने वाली है। कुंभ राशि वालों, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको अनेक प्रकार की धन लाभ प्राप्ति के योग हैं और आपके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों को बता दें कि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा और इसके साथ ही पूर्व में की गई आपकी मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आएगा। व्यवसाय में आपकी योग्यता का प्रदर्शन अब सभी लोग देखेंगे। तुला राशि वालों, अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मां लक्ष्मी आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में अब खुशियां आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लक्ष्मी योग के कारण जबरदस्त कमाई होगी। अब आपको अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ तुला राशि वालों प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो वो योजना इनकी अवश्य सफल होगी। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके ऊपर संतान प्राप्ति का सुख मिलने का योग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, तुला राशि वालों, अब मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको हर जगह से लाभ ही लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त होने वाली है। कहना गलत नहीं होगा, तुला राशि वालों, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। समय अब पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। जी हां दोस्तों, ये है वो भाग्यशाली राशियां जो मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब धन से मालामाल होने वाली है। यूं कहें कि इन चार राशि वालों को करोड़ों का धन मिलने वाला है। ये चार राशि वाले
मालामाल होने वाले हैं। इन चार राशि वालों को माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से इनके जीवन में अनेक प्रकार का लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माँ लक्ष्मी।